हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि आप ब्लू स्मोकी आई लुक क्रिएट कीजिए। तो मैंने ऑलरेडी ब्लू स्मोकी आई लुक क्रिएट किया है अपने चैनल पे, तो प्लीज़ आप ज़रूर चेक करें। तो मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, तो इसलिए मैं ब्लू ग्लिटर स्मोकी आई लुक आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप ब्लू स्मोकी लुक करना चाहते हैं तो आप ग्लिटर्स ना अप्लाई करें, बट मैं आपको ग्लिटर्स के साथ ब्लू स्मोकी लुक करना सिखाऊंगी। और ये लुक वेडिंग्स के लिए अप्रोप्रिएट है, तो अगर आप वेडिंग में ग्लिटर लुक करना चाहते हैं तो दिस लुक इज परफेक्ट फॉर यू। और ये आई मेकअप लुक अंडर 5 मिनट्स है, तो अगर आप क्विक स्मोकी लुक क्रिएट करना चाहते हैं आप जरूर ट्राई करके देखें। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो ट्रांजिशन कलर के लिए मैं ब्लश यूज कर रही हूँ, ये कलर पॉप का है। आप कोई भी ब्लश कलर यूज कर लें और उसको अप्लाई करें अपनी क्रीज में इस तरह से फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, और इस तरह से आप बैक एंड फोर्थ करें ब्रश को। अब मैं एक डोन ब्रश ले रही हूँ और रीअप्लाई कर लूंगी सेम कलर, और थोड़ा सा मैं डार्क कर रही हूँ अपनी क्रीज को, और बैक एंड फोर्थ करते जाएं। और जितनी आपको इंटेंसिटी डार्क चाहिए अपने ट्रांजिशन कलर की उतनी आप डार्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं ये मेबेलिन का ब्लैक जेल लाइनर यूज कर रही हूँ। आप कोई भी क्रीमी काजल पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, और मैं इसको अप्लाई करूंगी एज अ बेस। तो हर स्मोकी आई लुक के लिए मैं ब्लैक कलर यूज करती हूँ एज अ बेस। तो आप भी काजल भी यूज कर सकते हैं, आप जेल लाइनर्स भी यूज कर सकते हैं, और अच्छे से बेस को ब्लेंड कर लें। तो मैं अच्छे से बेस को अप्लाई भी कर लूंगी और साथ साथ ब्लेंड करती जाऊंगी। अब नेक्स्ट मैं ये नायका की पैलेट ले रही हूँ, मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी, और मैं पैलेट में से ये ब्लू आई शेडो ले रही हूँ, और आई शेडो ब्रश की हेल्प से मैं ये बेस के ऊपर अप्लाई करूंगी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं बेस के साथ जो कलर है वो काफी डार्क लग रहा है। तो इसी तरह से आपको स्मोकी लुक क्रिएट करना होता है, और साथ साथ मैं अच्छे से ब्लेंड करती जाऊंगी ताकि आई शेडो बिल्कुल भी पैची ना लगे। तो आपको ब्लेंडिंग बहुत जरूरी होता है स्मोकी लुक में। अब नेक्स्ट नायका की पैलेट में से मैं ये ग्रे कलर का आई शेडो ले रही हूँ, थोड़ा सा लाइट कलर है, लाइट चारकोल कलर है, और डोन ब्रश की हेल्प से मैं इसको अपनी क्रीज में अप्लाई करूंगी इस तरह से, और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, ये क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश है, अच्छे से ब्लेंड करती जाऊंगी आई शेडो को, और फिर से रीअप्लाई कर लूंगी जितनी मुझे इंटेंसिटी डार्क चाहिए। तो इस टाइम पे आप साथ साथ ब्लेंड करते जाएं, और साथ साथ आप देखते जाएं कितनी आपकी क्रीज डार्क हो गई है। अब नेक्स्ट मैं सेम ब्लू आई शेडो ले रही हूँ नायका की पैलेट में से, और मैं रीअप्लाई कर लूंगी अपने आईलिड्स पे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ब्लू स्मोकी लुक क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट ये एक्स्ट्रा स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, मैं स्लीक की पैलेट में से ये ब्लू शिमा आई शेडो ले रही हूँ। आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं स्टेप, और मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसको हल्का सा डैप करूंगी जो मैंने ब्लू आई शेडो पहले अप्लाई किया था उसके ऊपर इस तरह से, और फिर ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अगेन ब्लेंड कर लूंगी आई शेडो को। नेक्स्ट मैं ये ब्लू कलर के ग्लिटर्स ले रही हूँ, बहुत ही अच्छे ग्लिटर्स हैं, लूज ग्लिटर्स हैं, और स्टिक करने के लिए मैं फ्लैट सिंथेटिक ब्रश ले रही हूँ। आपको इसी तरह का सिंथेटिक ब्रश यूज करना है, और मैं फिक्सिंग स्प्रे के साथ इनको स्टिक कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ग्लिटर ग्लू भी यूज कर सकते हैं, निक्स की ग्लिटर ग्लू भी आती है तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं पूरी आईलिड्स पे अप्लाई कर लूंगी। अब आईलाइनर के लिए मैं एसेंस का लिक्विड इंक लाइनर यूज कर रही हूँ, और मैं थोड़ा सा थिक विंग लाइनर क्रिएट करूंगी अपनी आईज पे। तो ये थोड़ा सा लाइट कलर का स्मोकी लुक है, तो इसलिए मैं विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप ब्लैक आई शेडो के साथ स्मोकी लुक क्रिएट कर रहे हैं तो आप विंग लाइनर स्किप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा थिक विंग लाइनर ड्रॉ कर लूंगी इस तरह से, और विंग लाइनर की भी मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, तो आप जरूर चेक कर लें। अब नेक्स्ट काजल पेंसिल के लिए मैं रेवोल्यूशन की काजल पेंसिल यूज कर रही हूँ। अब नायका की पैलेट में से मैं सेम ब्लू आई शेडो लूंगी, और स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसको स्मच करूंगी अपनी लोअर लैश लाइन पे। अब फॉल्स लैशेस के लिए मैं बिफोर एंड लैशेस यूज कर रही हूँ, और मैं अपनी लैशेस पे स्टिक करूंगी। इनर कॉर्नर्स पे मैंने हाईलाइटर अप्लाई किया है, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था समहाउ, तो आप इनर कॉर्नर्स पे कोई भी हाईलाइटर चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं अपनी लैशेस पे मस्कारा अप्लाई करूंगी ताकि मेरी नेचुरल लैशेस फॉल्स लैशेस के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। सो दिस इज द फाइनल लुक, ये क्विक स्मोकी ग्लिटर आई मेकअप लुक है। अगर आपको पसंद आया हो आप जरूर ट्राई करके देखें, और जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग दिस वीडियो। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप सिर्फ ब्लू स्मोकी लुक करना चाहते हैं तो आप ग्लिटर्स ना अप्लाई करें,
और अगर आप ट्राई करें ये लोग तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप रिक्रिएट करें ये लोग तो प्लीज मुझे टैग जरूर कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे, और मैं आपकी सारी लुक्स रीपोस्ट करूंगी अपने इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया ऑन माई इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर जरूर करें मेरी वीडियोज, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।